वो वर्ड रियली एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसी वजह से आप डिक्शनरी रेफर करते हो। उसके बाद इसी वर्ड से आप एक सेंटेंस बनाते हो, तो आपको ग्रामर पढ़नी पड़ती है। ये तीनों प्रोसेस सिक्वेंशियल है, ये आता है तो ये आता है तो ये, इसमें दिक्कत है तो ये नहीं होगा, इसमें दिक्कत है तो ये नहीं होगा, और इसी में दिक्कत है तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। उसी तरीके से आपका सिक्वेंशियली कोडिंग डिकोडिंग है। अब आपकी जो पैटर्न अभी आप कर रहे हो, जो होमवर्क के लिए है, वो सारे पैटर्न ही आपके मिक्स फॉर्म में है, आगे जस्ट इन्हीं की कंटिन्यूएशन है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है नया, बस थोड़ा